हेलो सारे, कैसे हो? मैं हूँ आपका अपना म्यूज़िकल प्रशांत। तो फाइनली आज हम बात करेंगे वोकल को मेलोडाइन कैसे करते हैं, वोकल पे पिच करेक्शन कैसे करते हैं, वोकल को स्मूथ कैसे करते हैं, है ना? आज हम बेसिकली वोकल पे बात करने वाले हैं। तो मेरा एक सॉन्ग था रॉयल लाइफ, जिसमें एक फ़ीमेल आर्टिस्ट ने काफ़ी अच्छी सिंगिंग करी थी, जिसका नाम था वैष्णवी शर्मा। तो उसकी वोकल पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने आप सभी को बताने के लिए डमी उठा लिया वोकल को। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, जिसने हमारा DLM रिकॉर्ड्स को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो पूरी देखे, एंड तक देखे। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। और हाँ, आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से। एक्चुअली यार थोड़ा सिस्टम ना हैवी, वो क्या कहते हैं उसे, मतलब थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा क्रैक होने लग जाता है, क्रैश होने लग जाता है ना एफल स्टूडियो, फिर इतना अच्छा मिक्स नहीं कर पाता मैं, तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको, आप सभी में से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, हो सका तो आपकी कमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो वोकल, एंड मैंने नॉर्मली प्लग्ड पियानो यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा फील लेने के लिए, है ना? चलो हम सुन लेते हैं एक बार पहले ड्राई कैसा लग रहा है। तो ये था अपना पूरा ड्राई, और एक पैटर्न जो आज हम हारमोनियम मिक्सिंग करना सीखने वाले हैं, मतलब मेलोडाइन करना। हारमोनियम, मान लो कि वोकल को हारमोनियम कैसे करते हैं, किन किन VST प्लगइन्स का यूज़ होता है, क्या क्या लगता है, कौन कौन से इफ़ेक्ट लगाए जाते हैं, तो आज बेसिकली हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा ये डिलीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम इनको अपने मिक्सर में लेके जाएंगे। आपको कीज़ बताई थी मैंने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है? अब हमारे ये मिक्सर में आ गया है। इसको रीनेम कर देते हैं वोकल वोकल वोकल। ठीक है, ये हमारा पियानो। इसको दे देते हैं पैड। तो ये हमारी एकदम ड्राई वोकल, इस पे ना कोई इफेक्ट है, ना कोई रिवर्ब है, ना कोई ऑटो ट्यून है, ना कोई पिच करेक्शन किया है, एकदम ड्राई वोकल है अभी। तो अभी हम इसको हारमोनियम बनाएंगे। वोकल को कैसे बना सकते हैं, है ना? मतलब हल्के फुल्के मेलोडाइन करेंगे, एंड जहाँ पे हमें लगेगा हारमोनियम बनाना है, वहाँ पे हारमोनियम टाइप वोकल बनाएंगे।
तो सबसे पहले मैं इस पे करूँगा EQ, है ना, इसकी एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी काटूँगा, नॉइस काटूँगा। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे। तो फाइनली मैंने वोकल 6 dB पे पहुँचा लिया, ठीक है। तो जिनको नहीं पता कि मैंने अभी क्या किया, कंप्रेस किया, वेव शार्प लगाया एंड ये EQ क्या, लिमिटर क्या, मतलब जो भी एनीथिंग ऑल्स है ना, तो आपको बता देता हूँ मैं। इससे पहले मैंने मिक्सिंग पे वीडियो बना रखी थी, ये देखो मैंने मिक्सिंग एंड मास्टरिंग प्रोडक्शन कोर्स इन दी पार्ट 1, ठीक है। जिनको ये कंप्रेसर और मतलब मिक्सिंग का पार्ट देखना है वो जाके चैनल पे देख सकते हैं, मेरा DLM रिकॉर्ड सर्च मारेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे मेरे ही चैनल आएगा, वहाँ अंदर जाके मिक्स मास्टर का पार्ट 1 देख सकते हो कि ये मिक्स कैसे होता है, इनसे क्या होता है, कंप्रेसर से क्या होता है, कैसे यूज़ होता है ना, और लिमिटर मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, एंड ये किस लिए यूज़ करता हूँ, एंड ये किस लिए यूज़ करता हूँ, है ना। तो आप सभी को पता लग जाएगा। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले थे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वोकल हारमोनियम, है ना। तो आपको एक बात बता दूँ, सबसे पहले तो आपको है ना, जो सिंगर गा रहा है चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसके ना नोट्स पता होने चाहिए कि वो क्या स्केल में, किस स्केल में गा रहा है ना। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लेता हूँ एक ऑडो ट्यून, सबसे पहले एक ऑडो ट्यून लेता हूँ 8.1, सुन मुंडिया मैं तानू जानती नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज।
कागज के बाहर मेरे तू सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू देखिए मैं जब भी वोकल हारमोनियम बनाता हूँ तो ये जो इसकी स्पीड है ये मैं फुल कर देता हूँ ठीक है और ये करेक्शन स्टाइल है जो इसको मैं 35% रखता हूँ और जो ट्रैकिंग है उसको भी फुल कर देता हूँ और यहाँ पे जाके लो मेल सॉरी हाँ लो मेल कर देता हूँ और यहाँ पे स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ एफ मेजर जो गाने के स्केल है सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू ठीक है अब देख रहे हो मतलब एक कितना मतलब ऑडियो ट्यून लगने के बाद कितना प्यारा फील आ रहा है। ऑडियो ट्यून का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे कहीं आपने देखा होगा कि जब सिंगर गाते हैं तो थोड़ी सांस की प्रॉब मतलब थोड़ा मतलब रुक जाते हैं अटक जाते हैं हल्का फुल्का आउट ऑफ स्केल हो जाते हैं हल्का फुल्का नॉर्मली बता रहा हूँ ना तो ऑडियो ट्यून उसकी कमी पूरी करता है ना। मतलब ऑडियो ट्यून का मतलब है एक स्मूथनेस के लिए लगाया जाता है थोड़ा बहुत ही नहीं कि आप भोजपुरी की तरह लगा दो भर दिया ऑडियो ट्यून ऑडियो ट्यून पे ही मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऑडियो ट्यून भी इतना नहीं लगाना चाहिए अगर स्केल पूरे प्रॉपर आपको पता है अपने वोकलिस्ट के जिसका भी आप मिक्स कर रहे हो तो ऑडिट उनके साथ खेल सकते हो। तो ये स्केल में इसलिए वोकल लहरा नहीं रही है मतलब होता है ना मतलब ऐसे लहरा जाती है ना जो तो वो मैं बता रहा हूँ आपको सुनते हैं सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू ठीक है। अब हम लेते हैं एक रिवर्ब सबसे पहले रिवर्ब वेट 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 रिवर्ब नहीं सबसे पहले हम एक इसमें डालते हैं फ्रूटी फ्रूटी कोरस ठीक है। फ्रूटी कोरस में मैं कुछ भी नहीं छेड़ता यहाँ पे जाता हूँ फ्रूटी कोरस लेने के बाद 50% पे कर दिया सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू ठीक है। एंड अब हम लेंगे रिवर्ब यहाँ पे करते हैं रिवर्ब ऐड सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं तो मैंने ले लिया एक डीले मैं डीले बहुत ही कम रखता हूँ मेन वोकल पे 20% एंड 70% ठीक है। एक बार आप सुनते हैं सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू अब विदाउट इफेक्ट जो हमने हाँ मतलब अब जो हमने इतने इफेक्ट लगाए हैं यहाँ पे कोरस हो गया ऑडियो ट्यून हो गया वेव ट्रैपर हो गया साउंड कोडाइजर हो गया एंड कंप्रेसर हो गया लिमिटर हो गया ईक्यू हो गया है ना बिना इफेक्ट के सुनते एक बार सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू
अब एक बार इफेक्ट ऑन करते हैं। सुन मुंडिया मैं तानु जान दी नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। मतलब देख रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, बस ये दो तीन इफेक्ट लगाए और साउंड कितना प्यारा हो गया। ये लिमिटर ये फालतू में आ रखा है, इसको मैंने हटा दिया, डिलीट मार दिया। ठीक है, मतलब देख रहे हो मैंने क्या किया, सबसे पहले EQ किया, उसके बाद लिमिटर से एक लेवल पे लेके आया। लिमिटर का मतलब मैंने बता रखा है, जिसको नहीं पता वो प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो देखे, मिक्स एंड मास्टरिंग पार्ट 1। ठीक है, लिमिटर यूज़ किया, फ्रूटी कंप्रेसर यूज़ किया, वेव शार्पर यूज़ किया थोड़ा टाइटनेस के लिए, साउंड कोडाइजर यूज़ किया, इसकी मैक्सिमम अमाउंट मैंने इतना रखा है, ऑडियो ट्यून यूज़ करी 8.1, जो ऑलमोस्ट हर किसी के पास होती है आज के टाइम पे ना। फ्रूटी कोरस यूज़ किया और कुछ भी नहीं यूज़ किया मैंने। रिवर्ब लगाया है, डीले लगाया है, मैं इनको नाम दे देता हूँ। इनको दे देता हूँ रेड कलर, डीले इसको भी रेड दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वोकल हो गई मिक्स। अब हम आ जाते हैं दूसरी वोकल पे, जो मेरे को हारमोनियम करनी है। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। सबसे पहले मैं सेव कर लूँ, आजकल हैंग प्रॉब्लम बहुत हो रही है, प्रोजेक्ट ही उड़ जाता है पूरा। कर लेता हूँ, डमी क्लास मैं हूँ हसीना तू है कमीन। ठीक है, हमने वोकल सेव कर लिया, अब इसको भी सेम करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ EQ। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी। मैंने इसका हाई फ्रिक्वेंसी का अमाउंट रखा है 4 dB+। ये देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 dB+। ठीक है, मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले।
मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड। इसका अमाउंट ओके हम 41% फुल लो। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे को ठीक है। अब फ्रूटी कोरस। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे 50% रखना है इसको। ये देखो यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ठीक है। एंड अब हम लेंगे पिच प्रूफ। जिसके पास ये नहीं है, फ्री VST प्लगइन है, गूगल पर डालो पिच प्रूफ फ्री डाउनलोड, आ जाए हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे स्केल सेलेक्ट करते हैं। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितने भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितने भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना ठीक है। मैंने प्रीच प्रूफ भी 50% रखा है। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। अब हम इसमें ऐड करते हैं रिवर्ब। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले। डिले 20% बताया था मैंने, और यहाँ से रखते हैं 70%। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले। फालतू की ना नॉइज आ रही है, मैं नॉइज थोड़ी इसको देता हूँ। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे मैं हूँ हसीना। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे। अब देखो 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 देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बताया नहीं मैंने क्या क्या किया। देखो यहाँ तक तो सेम प्रोसेसर जा रहा है। अरे यार यहाँ तक सेम प्रोसेस है ठीक है। सॉरी यार सॉरी, तो मैं अभी होपलेस हो जाता हूँ, ध्यान सारा मिक्सिंग में रहता है ना, इसलिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ तक ना सेम प्रोसेस है ऑडियो ट्यून तक। उसके बाद सेम कोरस लगाया मैंने, 50% अमाउंट रखा है इसका, और एक्स्ट्रा पिच प्रूफ लिया और कुछ भी नहीं किया। रिवर्व थोड़ा सा मैंने सेम रखा है, बट यहाँ से अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रिवर्व का,
यहाँ पे मैंने कितना रखा है 70%, ठीक है, वो डील सेम है और कुछ भी एक्शन नहीं किया देखो। अब एक बार बिना इफेक्ट के सुनते इसको। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। और अब इफेक्ट के साथ जो अपने कराए। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, ठीक है। एंड अब हम इसमें एक चीज ऐड करते हैं, स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो लेंसर, इस पे करेंगे 4 स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। इसको कर देंगे बिल्कुल बीच में, पैन को कर देंगे बिल्कुल बीच में, वॉल्यूम थोड़ी सी यहाँ कर देंगे। और अब देखो, मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितने भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितने भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। तो आप सभी ने देखा इसे लगाने से हमारी वोकल लेफ्ट एंड राइट हो गई, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाली वोकल खोलते हैं। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितने भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तो है कमीना। इसको रखा हमने 15% एंड इसको रखते हैं 1%। मैं हूँ हसीना तो है कमीना, ठीक है। आप दोनों प्ले करते हैं। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। तो हमारी वोकल हो गई है मिक्स, ठीक है। सुन मुंडे पहले तो यार इसकी एक्स्ट्रा वो काटता हूँ, इस फालतू की बसूड़ी आ रही है। सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं, मेरे पीछे पीछे आता क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं, सुन मुंडे मैं तानू जान दी नहीं, मेरे पीछे पीछे आता क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश करे, मेरे पीछे पीछे आता क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छड़ और साइड में हो ले। तो देख रहे हो अब कितना अच्छा साउंड कर रहा है। तो बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं हारमोनियम वोकल, हारमोनियम मतलब मेलोडी, मतलब मेलोडाइन जो भी है यार, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। कोई हारमोनियम बोलता है, कोई कहता है मैंने मेलोडाइन कर ली, कोई कहता है मैंने पिच करेक्शन कर लिया, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। यार सीधी सी बात है, मैं तो कहता हूँ मेलोडाइन कर ली, पिच करेक्शन कर लिया। पिच करेक्शन में भी सेम ही है, पिच करेक्शन थोड़ा बस एडवांस हो जाता है, उसमें हम जैसे कीबोर्ड कर, जैसे हम कोई भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें उस लाइक कुछ उस टाइप का होता है कि उसके बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा।
उसके ऊपर भी बहुत जल्दी बनाऊंगा मैं वीडियो, पिच करेक्शन कैसे होता है, कैसे करते हैं पिच करेक्शन, है ना। तो अभी फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। सुन मुंडिया मैं तानू जान दी नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों। चलो अब म्यूजिक के साथ सुनेंगे अब। सुन मुंडिया मैं तानू जान दी नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों। लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे, तू मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे होते दिल मेरा आएगा कभी ना। जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले।
मैं हूँ हसीना, तू है कमीना, तेरे उधर दिल मेरा एक कवीना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना, तू है कमीना, तेरे उधर दिल मेरा एक कवीना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। मैं हूँ हसीना, तू है तो फाइनली मैंने हल्का फुल्का इसका जो प्लग्ड वगैरह थे वो हल्का फुल्का मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो एक बार सुनते हैं क्या हो गए। ओ सॉरी, क्या हो गई नहीं, मतलब कैसा हो गया। शुरू में क्या है, I'm an overlord beauty, I'm a dream girl, dream boy, kende mainu naal chal, main tera prince, tu bana meri cutie. I'm an overlord beauty, I'm a dream girl, dream boy, kende mainu naal chal, main tera prince, tu bana meri cutie. Aao leke aaye tere liye Lamborghini. Mere sapno ki rani billo tu abani. आओ लेके आया तेरे लिए लैम्बोर्गिनी, मेरे सपनों की रानी बिल्लो तू अबनी, जिते भी तू जावा तेरे पीछे पीछे आवा दे के यार करे आज तेरा खूब अबनी। आओ लेके आया तेरे लिए लैम्बोर्गिनी, मेरे सपनों की रानी बिल्लो तू अबनी, जिते भी तू जावा तेरे पीछे पीछे आवा दे के यार करे आज तेरा खूब अबनी। आओ तू अनशा रोल जिंदगी में मेरी तू अनशा, तेरे उत्ते दिल साडा हो गया फिदा, वेक वारी हाँ कर फिर मुझ पे वार कर, आंखों से तेरी जो हो रहा नशा। सुन मुंडे अबे तानू जान दी नहीं, मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे तू। मैं हूँ हसीना, तू है कमीना, तेरे उधर दिल मेरा एक कवीना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, हाथ छट और साइड में हो ले। पीना जीना लेके आया मेरे लिए लंबोर्गिनी, मैं सपनों की रानी तेरे लिए हूँ बनी, जिस भी मैं जावा मेरे पीछे पीछे आवा देख यार कह रहे आज तुम खूब मनी। तो फाइनली आप सभी को बताया मैंने कि हाउ टू हारमोनियम है ना, मतलब हारमोनियम कैसे, अपनी वोकल को हारमोनियम कैसे बनाएं, मेलोडाइन कैसे करें, क्या इफ़ेक्ट लगाए जो अच्छा साउंड के लिए। यार मैं सही बताऊँ, एक जितना नेचुरली रहने दोगे ना उतना ही ज़्यादा फील आता है वोकल में। एक्सप्रेशन पे ध्यान देना चाहिए गाते टाइम। अभी मेरा गला ख़राब हो रहा है इसी चक्कर में, अभी सिंग नहीं कर पाया इसलिए मैंने अभी अपनी वोकल भी नहीं लिया। एंड ये गाना लॉन्च हो रखा है रॉक शॉक म्यूज़िक पे, जिसने ये गाना नहीं सुना तो सर्च करे यूट्यूब पे रॉयल लाइफ म्यूज़िकल प्रशांत, पहले नंबर पे गाना आएगा, दूसरे नंबर पे भी नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले ई क्यू करो। बहुत ईजिली बता रहा हूँ यार, बंदे बोलते हैं पहले ये करो वो करो, ये इफेक्ट लगा दो वो इफेक्ट लगा दो, वोकल निकल जाएगी, 5 मिनट में मिक्सिंग हो जाएगी, 10 मिनट में मास्टर हो जाएगा। अरे भाई मेरे कहने की बात होती है, ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी में कहते हैं, जिसको ना कोई अंग्रेजी झड़ रहा ना कोई कुछ, ठीक है। जो कहता है ना भाई कि 10 मिनट में मास्टर हो जाएगी, 10 मिनट में, 5 मिनट में सिर्फ मिक्सिंग करना सीखे, तो भाई ये सब होती है कहने के बाद, कहने की ही बात होती है सिर्फ। मेरे को 3-4 साल हो गए भाई मिक्स करते करते, अब जाके मेरा अब जाके इतना हुआ है कि हाँ मैं अब किसी को सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ किसी को, है ना। तो अभी थोड़े दिन पहले एक अपना भाई है, तो उसने मेरे को बोला था कि आप वीडियोस बनाओ मिक्स मास्टर्ड के ऊपर, ठीक है, एंड म्यूज़िक के ऊपर कि म्यूज़िक कैसे बनता है,
क्योंकि आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, वो बोलते हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप बनाओगे तो शायद किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो सीखेगा ना। तो मैंने उस बात पे गौर किया, मेरे को लगा कि बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने मिक्सिंग एंड मास्टरिंग पे बनाया। तो जो पहला पार्ट है मिक्स एंड मास्टरिंग का, उसका दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जो आज हमने ये वीडियो बनाई, ये सिर्फ हारमोनियम वोकल करने के लिए है। ऑटो ट्यून का यूज़ बताया है, पिच प्रूफ का यूज़ बताया है, ठीक है। अब चाहे आप किसी की भी वोकल करो, सेम प्रोसेस होता है। आपको स्केल पता होनी चाहिए ताकि ऑटो ट्यून ऐसा ना लगे कि भोजपुरी वाला फील आया ना, जैसे भोजपुरी आता है, पता नहीं कैसे लगा देते हैं वो, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता है। मैंने भी 3-4 वीडियो देखी यूट्यूब पे, बोलते हैं 5 मिनट पे मिक्सिंग करना सीखे, 5 मिनट पे मास्टर करना सीखे। अरे मेरे भाई, हलवा है क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री, या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन, या फिर मिक्स एंड मास्टर प्रोडक्शन? कहने की बात होती है भाई, कानों की प्रैक्टिस होती है, तब जाके पता लगता है ना। फ्रीक्वेंसी कोई नया बंदा ऐसे ही नहीं निकाल लेता। आपने बोल दिया हाँ, यूट्यूब पे दिखा दिया, बड़ा कर लिया, भाई यहाँ से इतनी फ्रीक्वेंसी कट होती है, इतने डीबी माइनस, इतने डीबी नीचे चले जाओ, उतने डीबी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी कोई भी हम एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो कट करते हैं ना, हाई पास हो गया, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी हो गई प्लस लो फ्रीक्वेंसी हो गई, एक्स्ट्रा बेस एक्स्ट्रा हाई है ना, और ये सब होता है मिड, इतना हिस्सा है ना। तो हम हमेशा ना एक, जब तक आपकी आपको कैसे बताऊं कि मैंने ये लो फ्रीक्वेंसी है, अब मैं कोई भी अरे गहरे हेडफोन भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें तो लगेगा मज़ा आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी मिक्स करो तो आप अच्छी क्वालिटी का हेडफोन यूज़ करो। मैं आपको सजेशन करूँगा कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ऑडियो टेक्निकल का। हाँ जी, ऑडियो टेक्निकल का साउंड कार्ड यू ओ सॉरी साउंड कार्ड कह रहा हूँ, हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 2-2 हज़ार के होंगे है ना। तो ये ले ले और इसी पे ही मिक्स करें, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाए कि मैं हेडफोन में कर लूँ, या फिर मैंने स्पीकर वहाँ से सस्ते मिल रहे थे तो उतने का ले लिया तो उसमें करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप गलत चीज़ पर करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ही गलत होगी, सबसे पहली बात तो ये है। चूतिया से हेडफोन में करोगे प्रैक्टिस ही गलत होगी, आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सुनाएगी, क्वालिटी वाइज नहीं सुन पता लगेगा कुछ भी ना, फ्रिक्वेंसी समझ में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात तो एक बताता हूँ, एक मिक्सिंग का प्रोसेसर एंड मास्टरिंग का कुछ नहीं होता, मेन होता ही ईक्यू है। फील के लिए रिवर्ब डिले ऐड होता है, ठीक है, लिमिटर कंप्रेसर और वेव शार्पर मैं इसलिए लगाता हूँ एक लेवल पे लाने के लिए। वेव शार्पर लगाता हूँ मैं वोकल को थोड़ा सा टाइट करने के लिए, हार्ड करने के लिए, हल्का सा हार्ड है ना थोड़ा, और प्लस लाउडनेस भी आती है ना। और साउंड गोडाइजर भी इसलिए लगाता हूँ मैं थोड़ा सा टाइट करने के लिए, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी है ना। एंड कंप्रेसर यूज़ करता हूँ वोकल एक लेवल पे चले, जो मैं जिस यार सीधी सी बात है, जो मैं लिमिटर में करता हूँ वही कंप्रेसर में करता हूँ। कंप्रेसर में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। लिमिटर में बस मैं एक लेवल पे कर देता हूँ, उसके बाद कंप्रेस यूज़ करता हूँ, वोकल को कंप्रेस करता हूँ, ताकि जो हमारी वोकल जो डाउन है, हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पे डाउन करी हुई वोकल को, मतलब हम आगे पीछे होके गा रहे हैं तो कहीं पे अप हो गई कहीं पे डाउन हो गई, तो वो एक लेवल पे करने के लिए कंप्रेस होती है वोकल है ना। फिर वेव शार्पर, फिर साउंड वोडाइजर एंड ऑटो ट्यून एंड फ्रूटी कोरस। फ्रूटी कोरस तो मैंने हारमोनियम वोकल जब भी बनाता हूँ इसलिए यूज़ करता हूँ, मतलब थोड़ा सा फील लाने के लिए है ना। जब भी कोई कोई लगता है कि मेरे को जहाँ पे यूज़ करना चाहिए यार, वहाँ पे मैं करता हूँ, सीधी सी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वोकल बेस्ड सॉन्ग है तो उस पे यूज़ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे लगता है आपको यूज़ करना है फ्रूटी कोरस, वहाँ पे यूज़ करो। फिर स्टूडियो शार्पर इसलिए यूज़ करता हूँ मैं, वोकल अभी एक मोनो में रहती है, एकदम सेंटर में ना। शार्पर से क्या होता है, एक ना एक लेफ्ट और राइट दोनों में आती है, पर उसका भी एक मतलब वो होता है, लेफ्ट और राइट दोनों की आती है। और मोनो से पर मैं ऐसे समझा नहीं सकता आपको ना, अगर वीडियो होती तो आपको कुछ बताता भी। तो इसका तो आप प्रैक्टिकली करके देखना इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे जाना, इफेक्ट पे जाके इस तीसरे नंबर पे क्लिक कर लेना,
लेफ्ट और राइट दोनों में वोकल हो जाएगी, मतलब स्टूडियो बन जाएगी वोकल, ठीक है। और रिवर्ब लगाया मैंने, डीले लगाया, इससे अलावा तो एक्स्ट्रा आपको कुछ दिख रहा है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ साउंड लगाया हो या फिर कोई मैंने VST प्लगइन्स खरीद रखा हो वो लगाया, ऐसा कुछ नहीं यार, कहने की बात है, करने वाले बंदे नॉर्मल VST जो FL स्टूडियो के होते हैं उससे ही बहुत कुछ कर लेते हैं, कहने की बात होती है यार मेरे पास तो ये वाला प्लग नहीं है इसलिए मेरे गानों में क्वालिटी नहीं है। भाई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेन होती है कानों की प्रैक्टिस। जिस दिन आपकी वो हो गई, जिस दिन आपको खुद समझ में आने लग गया अच्छा साउंड हो गया, यार ऐसा कुछ नहीं है कि हर सारे सॉन्ग अच्छे ही होते हैं, बहुत से सॉन्ग बिगड़ भी जाते हैं मिक्स मास्टर्ड में ना, मेरे भी काफ़ी सॉन्ग बिगड़े हैं, मैंने भी इतने सॉन्ग मिक्स एंड मास्टर करे अपने प्लस बहुत बंदों के किया है, कुछ के इतने मस्त हुए हैं कुछ के बिगड़ जाते हैं, होता है ना, तो बस वही है अपनी प्रैक्टिस यार, दिन बस अपनी मेहनत, दिन रात काम करो, दिन रात लगे रहो एक ही वोकल पे, नए नए बंदों की वोकल लो, नए नए बंदों पे काम करो, जितने नए नए बंदे पकड़ोगे नए नए बंदों की वोकलों पे काम करोगे, अगर आप मिक्स मास्टर सीख रहे हो तो उतनी ही जल्दी सीखोगे, है ना, उतनी जल्दी। और ये लेवलिंग पैनिंग ये सब मैंने पहली वीडियो में आपको जो मैंने वीडियो बना रखी है मिक्स एंड मास्टर प्रोडक्शन कोरस हिंदी पार्ट 1 2 220 म्यूजिकल प्रशांत, तो इस पे जाके देख ले मिक्स मास्टर्ड का मतलब क्या होता है, कैसे होती है, EQ क्या, EQ हम किस लिए करते हैं, लिमिटर किस लिए यूज़ करता हूँ, कंप्रेसर, खैर मैंने अभी बता दिया कंप्रेसर लिमिटर और वेव शार्पर का मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, है ना, ये पैनिंग क्या होती है, प्लग्ड पैनिंग का मतलब आपको पता लग जाए, क्योंकि मिक्सिंग का मतलब तो ये लेवलिंग और पैनिंग है ना, और EQ करना मतलब EQ फिल्टर्स वगैरह करना, मिक्सिंग का मतलब है ट्रैक को क्लीन करना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको हल्का फुल्का मास्टर करूँगा या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, एक मिनट यार यहाँ से तो पता भी नहीं लग रहा कितना टाइम हो गया है, चलो कोई नहीं, मास्टर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगा आपको, मास्टर वो मिक्सिंग वाले पार्ट में आप सभी को पता लग जाएगा ना, तो एक बार गाना सुन लेते हैं हम। सुन मुंडे मैं तानू जान दे नहीं मेरे पीछे पीछे आता है क्यों, लंबो काड़े लेकर मारे गेड़ी कॉलेज के बाहर मेरे, तू मैं हूँ हसीना तू है कमीना, तेरे उधर दिल मेरा आएगा कभी ना, जितनी भी चाहे कोशिश कर ले हाथ छट और साइड में हो ले। तो ये था हमारा जो सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, मैं आपको एक मिनट हाँ दिखा भी देता हूँ, यार गाना प्ले नहीं करूँगा, मैंने किस्मत वाला किया, उन्होंने सालों ने कॉपीराइट मार दिया, इसमें मैंने किस्मत सॉन्ग मिक्स कर रहा था आप सभी को बताने के लिए, कॉपीराइट मार दिया, प्ले नहीं करूँगा कभी, इस पे भी लग जाए ये देख रहे हो रॉयल लाइफ म्यूजिकल प्रशांत, सर्च मारोगे माँ की कसम पहले नंबर पे ही गाना आएगा, दूसरे नंबर पे भी नहीं कह रहा, वह ये वो गाना तो फाइनली ये मिक्स एंड मास्टर मेरा जो रिजल्ट निकला मिक्स एंड मास्टर का तो ये निकला था। ठीक है, तो ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता, कभी पता लगे इस पे भी कॉपीराइट लग जाए इस वीडियो पे भी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर मैं अगली बार से गाने ऐसी वीडियो ही नहीं बनाऊँगा मिक्स मास्टर के ऊपर, तो इससे अच्छा है कि क्या कहने वाला था मैं, इतना ही सुन लो, जिसको गाना सुनना है सर्च करो लॉयल लाइफ म्यूजिकल प्रशांत, ठीक है, और सुनो गाना जाके,
कि फाइनल रिजल्ट इसका ये था। बाकी मैंने आपको आज हारमोनियम करना सिखाया है, और जिसने अब तक मेरे चैनल को DLM रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ है इस पर जिसमें मेरे कुछ गाने भी हैं एंड कुछ मिक्स एंड मास्टरिंग के ऊपर वीडियो भी है। ये मेरे गाने हैं, मैंने एक गाना बनाया था ये महफूज करोना वायरस के ऊपर, जिस करोना वायरस के ऊपर नहीं है बेसिकली महफूज, मैंने बताया था कि जो लॉकडाउन हुआ था उसका पालन करना चाहिए सबको, तो बेसिकली उसी के ऊपर बनाया था। तो जिसको सुनना है यार, जिसको मेरे गाने सुनने हैं, वो मेरा चैनल ओपन करके देख सकता है हर एक चीज़। तो अभी चलने का टाइम आ गया है, तो चलो अलविदा, बाय, लव यू एंड ऑल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ मैं, है ना। चलो बाय।